अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम थर्ड ईयर। वालेकुम अस्सलाम मैम। वालेकुम अस्सलाम मैम। बेटा कैसे हो आप लोग? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, जज़ाकअल्लाह। और बताओ बच्चों, कैसी तैयारी हो रही है तुम लोगों की? अच्छी जा रही है मैम। और पार्किंसंस का टॉपिक पढ़ लिया आप लोगों ने? मैम नहीं, अभी स्टार्ट करेंगे। मतलब वैसे तो पता ही है कि उसमें होना क्या है, लेकिन स्टार्ट अभी प्रॉपर तरीके से नहीं किया। अच्छा, तो क्लास में किसी के पास कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक में से, कोई कंफ्यूजन या साइकोसिस में से? नहीं मैम, साइकोसिस के तो आपसे पूछ रहे थे और पार्किंसन अभी स्टार्ट करेंगे हम। अच्छा, और बेटा और क्लास में किसी को कोई मसला तो नहीं हो रहा इस टॉपिक में, या इसके अलावा किसी भी टॉपिक में कोई क्वेश्चन पूछना है अगर? मैम आप पार्किंसन को थोड़ा सा, मतलब जैसे हमने साइकोसिस का थोड़ा सा ऐसे बेसिक ओवरव्यू लिया था, पार्किंसन में भी कर देंगी थोड़ा सा ऐसे? अच्छा, हाँ बिल्कुल मैं कर दूंगी जरूर। ठीक है मैम, वो बता दें बस थोड़ा सा बेसिक। ठीक है, वो मैं करवा देती हूँ, अभी रिवाइज करा देती हूँ उसको। इसके अलावा बच्चों कोई क्वेश्चन है? देखो इंटरैक्टिव सेशन का एक एडवांटेज ये होता है कि आप बिल्कुल आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं ना, डिस्कशन कर रहे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो रिकॉर्डेड लेक्चर में नहीं समझ आ रही होती, तो वो हम इंटरेक्टिव सेशन में एक दूसरे से डायरेक्ट पूछ लेते हैं और यहाँ स्क्रीन पर भी आपको दिखा के समझा देते हैं। तो पूरी क्लास में अगर किसी को कोई क्वेश्चन है या कोई कन्फ्यूजन है तो वो मुझसे पूछ लो। हेलो जी बेटा, आवाज आ रही है आपकी? जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मा कैसी हो बेटा? ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैम। मैम एक क्वेश्चन था कल डिमार्ट्स के टॉपिक से। हाँ बोलो बेटा। ये मैंने उसी की स्क्रीन लगाई है, इसमें मुझे एक चीज समझानी भी थी आप लोगों को। एक और स्टूडेंट ने भी मुझसे कुछ पूछा था व्हाट्सएप पे, समझा दें एक बार। अच्छा ठीक है जी मैम। डिमार्ट्स में ना मिथॉट 3:8 में लिखा हुआ है कि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस को भी ट्रीट करता है और सोरियाटिक आर्थराइटिस को भी। तो ये जो सारे आर्थराइटिस की टाइप्स होती हैं, ये ड्रग्स सबको ट्रीट कर रही होती हैं या सिर्फ मिथॉट 3:8 ही ट्रीट करती है? नहीं नहीं, सिर्फ मिथोट्रेक्सेट ही करती है। अच्छा देखो, मिथोट्रेक्सेट की एक खास बात ये है कि मेथोट्रेक्सेट वैसे तो एक एंटी कैंसर ड्रग है, ये तो पता है ना आप लोगों को? यस मैम, कल बताया था। हाँ हाँ, अच्छा अगर नहीं पता तो अब जहन में रखना, आगे जो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेमेस्टर तुम लोगों का आ रहा है ना, उसमें आप लोग कैंसर कीमोथेरेपी और ये सब पढ़ेंगे, तो आप उसमें देखेंगे कि मेथोट्रेक्सेट जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटी कैंसर ड्रग है। लेकिन इसकी खास बात यह है कि ये आर्थराइटिस में, रूमेटॉइड हो या सोरियाटिक हो, इन दोनों में ये यूज़ होती है, और यहाँ पर इसकी डोज उसके मुकाबले में कम होती है, और ये बहुत इफ़ेक्टिव है और बहुत, यानी मैंने जैसे कल बताया था ना उस लेक्चर में कि ये मेन स्टे है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का। क्योंकि देखो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की अगर आप पैथोफिजोलॉजी देखें तो उसमें ऑटो इम्यूनिटी डेवलप होने लग जाती है अपने ही टिश्यूज़ के अगेंस्ट ना, यानी जॉइंट्स के दरमियान में जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वहाँ पर एंटीबॉडीज डेवलप होने लगती हैं और अपने ही कार्टिलेज और अपने ही जॉइंट को और जो एसोसिएटेड टिश्यूज होते हैं उनको डैमेज करते हैं। ठीक है, आ रही है बेटा आवाज़? आ रही है मेरी जी मैम? आ रही है। ओके ओके, तो मिथोट्रेक्सेट जो है हम या जितने भी डी मार्ट्स हैं उनको फिर हम एनसेड, तो क्योंकि सिम्टोमेटिक पेन को रिलीफ कर रहे होते हैं या इन्फ्लेमेशन को रिलीफ कर रहे होते हैं, लेकिन ये एजेंट उस ड्रग की जो क्या कहना चाहिए प्रोग्रेशन है ना उसको डिक्रीज करती है, और ये जो कार्टिलेज और इनको डैमेज हो रहा होता है ना इस डैमेज से उसको बचाती है। ठीक है जी मैम। नसीम तुम्हें कुछ कहना है बेटा? हैंड रेस किया आपने? मैम सबसे क्या है, जरा माइक ऑफ कर दें, आपकी आवाज बिल्कुल समझ नहीं आ रही।
बेटा आप सब लोग अपने माइक म्यूट कर दें, प्लीज सब लोग अपने माइक म्यूट कर दें। और नसीम खान मुझे ये बताओ, कोई क्वेश्चन है क्या? तुमने हैंड रेस किया हुआ है? नसीम, कैन यू हियर मी? बेटा आवाज आ रही है तुम लोगों को मेरी? यस मैम, आवाज आ रही है। ओके ओके, नसीम का मुझे लग रहा है कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया। ओके अच्छा, तो अब ये देखो, मैं पहले थोड़ा सा ये बता देती हूँ, फिर जिस तरह मरियम ने कहा है तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा पार्किंसन भी करवा देती हूँ, ठीक है? आप ये देखिए, ये है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, ठीक है? और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा जो है ये क्या है, ये बेसिकली एक प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन है। और प्रो इन्फ्लेमेटरी का मतलब यानी जो इन्फ्लेमेशन को लीड करेगा, ठीक है? और ये मैक्रोफेजेस इसको रिलीज करते हैं आपके साइनोवियल फ्लूइड में। मैं आर्थराइटिस की बात कर रही हूँ, आर्थराइटिस में ही साइनोवियल फ्लूइड में इस ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर को रिलीज करते हैं मैक्रोफेजेस। और ये ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर जो है ना, ये बेसिकली क्या करता है, ये बोन रिसॉर्प्शन कराता है, यानी बोन से जो मिनरल्स होते हैं ना उनको डिग्रेड करके या उनको वहां से रिलीज करवाना शुरू कर देता है, कार्टिलेज को डैमेज करता है। और ये जनरली क्या करता है, ये देखो कि टीएनएफ के रिसेप्टर्स होते हैं, ये इसके साथ बाइंड करके अपना एक्शन देता है। बेटा स्क्रीन नजर आ रही है, समझ आ रही है आपको जो मैं बता रही हूँ? आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है। ओके, अगर ना कोई बात ना समझ आए तो अपना हैंड रेज कर देना, सही? अच्छा ये देखो, अब ये ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा जो है ना, ये इन अपने पर्टिकुलर रिसेप्टर से जब बाइंड करता है, आप देखिए क्या कुछ करता है, टिश्यू डैमेज करेगा, डिफॉर्मिटीज, डिसेबिलिटी और इन्फ्लेमेशन है, पेन, स्टिफनेस, स्वेलिंग यानी इन्फ्लेमेशन जो है, ठीक है, ये सब यहाँ प्रोड्यूस होते हैं। अब ये जितनी भी एंटी टीएनएफ ड्रग्स है ना, ये ज्यादातर एंटीबॉडीज है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, जैसे एडेलिमोमैब है, इन्फ्लिक्सिमैब है, और हमने सॉल्युबल टीएनएफ रिसेप्टर फ्यूजन प्रोटीन की बात की, ये इटेनर सेप्ट वगैरह हैं। आप देखें एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर यही होता है ना, वाई शेप होता है। तो ये बेसिकली इस ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा से बाइंड कर लेगा, और जब ये इसको बाइंड करेगा तो जाहिर है फिर ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा रिसेप्टर से बाइंड नहीं हो सकेगा, बल्कि ये बाइंड कर जाएगा उसके रिसेप्टर से, और ये वाला जो एक्शन थे टीएनएफ के, ये स्टॉप हो जाएंगे, तो इन्फ्लेमेशन भी नहीं होगी, टिश्यू डैमेज भी नहीं होगा, पेन भी नहीं होगा, इन्फ्लेमेशन भी नहीं होगा, कार्टिलेज को जो डैमेज हो रहा है वो सब भी नहीं होगा, ठीक है बच्चों? बेटा ये समझ आ गया? थर्ड ईयर? यस मैम। यस मैम। ओके गुड। अच्छा और इस टॉपिक में से क्या था क्वेश्चन? फिर हम पार्किंसंस पे चलते हैं। ये देखो, ये मैंने एक हैंडआउट दिया है, एलएमएस पे मैंने शेयर कर दिया, एडेलिमोमैब है, इसको आप पढ़ लें, ये सब एंटीबॉडीज ही हैं, और लेकिन सबका जो बेसिक मैकेनिज्म है वो यही है, आपको समझना इस मैकेनिज्म को ही है बेसिकली, ठीक है? और ये देखो इन ड्रग्स को आप पढ़ लें, ये पिगाइलेटेड होता है, सर्टोलिजुमैब पेगोल, ठीक है, ये पिगाइलेटेड है, इसको याद रख लें। और इटेनरसेप्ट जो है ये भी जेनेटिकली इंजीनियर्ड है, ठीक है, और फुली ह्यूमन रिसेप्टर फ्यूजन प्रोटीन है। अच्छा इनमें बहुत सारी चीज़ें, इनको हम बायोलॉजिकल कह ही इसी रहे हैं, इनको क्यों बायोलॉजिकल कह रहे हैं, इसलिए बायोलॉजिकल कह रहे हैं क्योंकि बायोलॉजिकल ओरिजिन से मिल रही हैं आपको। अब वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थी एडेलिमोमैब की जो भी हमने बात की, इटेनरसेप्ट भी जेनेटिकली इंजीनियर्ड है और ये ह्यूमन सोर्स से डिराइव की गई है। कुछ ऐसी हैं जो काइरल हैं, जैसे आप देखें यहाँ इन्फ्लिक्सिमैब काइमेरिक है, ठीक है, काइमेरिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का मतलब ये होता है कि ये देखें ये ह्यूमन से और म्यूरिन रीजन से, म्यूरिन रीजन मतलब माइस से, माइस के ऑर्गन से और ह्यूमन के कुछ पार्ट से इसको डिराइव करके इस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को बनाया गया है। तो काइमेरिक का मतलब ये होता है जो डिफरेंट, सिर्फ एक सोर्स से ना हो बल्कि डिफरेंट टिश्यूज या डिफरेंट सोर्सेज से हासिल किए गए, तो ये म्यूरिन भी है और ह्यूमन भी है, यानी ह्यूमन के भी हैं और माइस रीजन्स भी लिए हैं। आवाज आ रही है बच्चों, ये समझ आ रहा है? यस मैम आ रही है। मैम आ रही है। ओके ओके गुड, ठीक है।
और ये एजेंट्स जो हैं ये भी बायोलॉजिकल हैं, एबेटसेप्ट वगैरह जो है ना, लेकिन ये नॉन टीएनएफ हैं। नॉन टीएनएफ का मतलब ये है कि ये दूसरे मैकेनिज्म से काम करेंगे, टीएनएफ को टारगेट नहीं करेंगे। सही है, इसका मतलब ये कि ये टीएनएफ को टारगेट नहीं करेंगे बल्कि ये नॉन टीएनएफ के मैकेनिज्म के थ्रू काम करें। जैसे ये देखो यहाँ पर ही मैंने दो बातें बताई थी कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो होते हैं ना, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कौन से होते हैं, जैसे बी सेल्स होते हैं या मैक्रोफेजेस होते हैं, उनको टी सेल से इंटरेक्ट करना पड़ता है, या जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के ऊपर CD86 प्रोटीन एक होती है ना, इसका रेशियो CD80/CD86, इसको बाइंड करना पड़ता है CD28 प्रोटीन से जो टी सेल्स के ऊपर होती है। ये बेसिकली एबेटसेप्ट वगैरह जो है ना, ये इस बाइंडिंग को रोक देते हैं आपस में। तो देखो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा पे तो नहीं कर रहे ना ये काम, ये इस CD80/86 का टारगेट CD28 से नहीं होने देते, तो फिर वो जो इन्फ्लेमेशन और ये सारे प्रोसेस हैं वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है मैम, ओके गुड। और इसमें इंटरल्यूकिन्स का मैंने जिक्र किया था, इंटरल्यूकिन भी प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस हैं, तो इंटरल्यूकिन के साथ बाइंड कर सकते हैं ये। ठीक है, ये देखें, और ये जो रिटुक्सिमैब होता है ये भी आप देखें बोन मैरो से डिराइव किया गया है, इम्यून रिस्पॉन्स के लिए ये नेसेसरी होता है। और साइनोवियम से जो बी सेल्स होते हैं वो ये काम कर रहे होते हैं, यानी टी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट कर रहे होते हैं, ऑटो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस प्रोड्यूस करते हैं। तो रिटुक्सिमैब भी वही CD20 एंटीजन जो है सरफेस के ऊपर उसके अगेंस्ट ये एंटीबॉडी टारगेट करती है, तो अगेन ये वाले जो एक्शंस हैं ये ब्लॉक हो जाते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन की तरफ लीड करें ना, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यही तो हो रहा है। और ये सारी ड्रग्स बेसिकली उनको एलिमिनेट तो नहीं कर पाती रूमेटॉइड आर्थराइटिस को, हाँ सिम्टोमेटिक रिलीफ ज़रूर देती हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करती हैं, कार्टिलेज डैमेज को रोकती हैं। ठीक है बच्चों, इज दैट क्लियर? यस मैम, यस मैम, ओके। और कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक में से? मैम एक दफा वो भी रिपीट कर दे, डीहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज जो कन्वर्ट होता है टेट्राहाइड्रोफोलेट में, वो ब्लॉक करवा रहा होता है टेट्राहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को भी, आपने बताया था ये मैकेनिज्म, वो एक्सप्लेन एक और दफा कर दे। अच्छा, इसके लिए मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ वही पीपीटी वाली तुम लोगों के साथ, और मुझे बताना कि वो जब नजर आ जाए। देखो स्क्रीन आपको नजर आ रही है पावर पॉइंट वाली प्रेजेंटेशन की? यस मैम, आ रही है। आ रही है जी मैम, आ रही है। ये आ गई वो मैकेनिज्म, ये देखो। देखो बेसिकली जी मैम यही, हाँ, मेथोट्रेक्सेट जो है ना ये बेसिकली डाईहाइड्रोफोलेट को, डाईहाइड्रोफोलेट क्या है, फोलिक एसिड है ना, और इसकी जो एक्टिव फॉर्म है वो टेट्राहाइड्रोफोलेट है, ऐसा ही है ना। डाईहाइड्रोफोलेट का मतलब कि इसमें ये टू हाइड्रो ग्रुप्स हैं इसके अंदर, और टेट्रा का मतलब कि इसके अंदर फोर हाइड्रोजन है, हाइड्रो है ना, शाबाश। तो ये एंजाइम है बेसिकली जो इसकी कन्वर्जन में इन्वॉल्व है, दिस इज द एंजाइम विच इज रिस्पॉन्सिबल for the conversion of dihydrofolate to tetrahydrofolate, और enzyme है dihydrofolate reductase। देखो ना इसकी reduction करा रहा है, reduction का मतलब क्या होता है, addition of hydrogen, यही मतलब होता है ना, reduction क्या होती है बच्चों? Yes ma'am, addition of electron and hydrogen both। Yes, very good। तो reduction addition of hydrogen, तो ये dihydrofolate था, now it is converted into टेट्राहाइड्रोफोलेट। तो एंजाइम का नाम इस तरह आप ज़हन में रखें कि दिस इज डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज जो इसकी रिडक्शन करवा रहा है। अब मेथोट्रेक्सेट जो है ना, ये मेथोट्रेक्सेट ये क्या करती है, इस डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को ब्लॉक कर देती है। जब ये ब्लॉक हो जाएगा तो इसकी रिडक्शन नहीं होगी, यानी डाईहाइड्रोफोलेट विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू, बताओ बच्चों, टेट्राहाइड्रो, हाँ टेट्राहाइड्रो में नहीं कन्वर्ट होगा। और टेट्राहाइड्रोफोलेट इसकी एक्टिव फॉर्म है फोलिक एसिड की, और ये टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है ये आगे रिक्वायर्ड है
डिफरेंट पायरिमिडीन बेसिस में, आपको पता है ना कि जो बेसिस होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक प्यूरीन, प्यूरीन्स एंड पायरिमिडीन, शाबाश, प्यूरीन एंड पायरिमिडीन, और ये पायरिमिडीन में इसकी इन्वॉल्वमेंट है। अगर आप इसको और मतलब गुडमैन गिलमैन में और या कैडजन में और डिटेल में देखें ना, तो काफ़ी इसकी एक्सटेंसिव टाइप की मैकेनिज्म है, लेकिन इस लेवल पर इसको शॉर्ट करके ही मैंने अभी आप लोगों के लिए बताया कि ये टेट्राहाइड्रोफोलेट आगे रिक्वायर्ड होता है पायरिमिडीन सिंथेसिस के लिए और फिर डिफरेंट मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट की प्रोलीफरेशन के लिए। जब ये एक्टिव फॉर्म ही अवेलेबल नहीं होगी बिकॉज ऑफ द इनहिबिशन ऑफ डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज बाय मेथोट्रेक्सेट, तो फिर वो जो आगे लिम्फोसाइट, मैक्रोफेजेस और ये सारे के सारे पायरिमिडीन बेसिस हैं, डीएनए वगैरह, ये सब अफेक्ट होते हैं, तो वो जो रैपिडली लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस अपना काम कर रहे हैं ना रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, इन्फ्लेमेशन को लीड कर रहे हैं, ऑटो इम्यूनिटी का जो प्रोसेस कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाता है इसकी वजह से। यानी कि मैम अगर टीएचएफ हमारे पास ना बने तो हमारे पास साइटोसिन और थायमिन प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगी, नहीं करेगी, बिल्कुल यू आर राइट, हाँ वो नहीं करेंगी। और इवन फिर आगे जो उससे आपको पता है ना वो सारी बेसिस फिर इनकॉर्पोरेट होके डीएनए, जी मैम, वो पूरा कोडिंग बनाती हैं। हाँ बिल्कुल, जो कोड्स और एंटीकोडोन और फिर वो आगे जो डीएनए वो सब इफेक्ट होगा। और जो रैपिडली रेप्लिकेटिंग सेल्स होते हैं ना, जैसे आपके मैक्रोफेजेस हैं या लिम्फोसाइट्स हैं जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में एक्टिव हुए हुए हैं और बाद में यही मैक्रोफेजेस वगैरह रिलीज कर रहे हैं ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा को और चीज़ों को, हम इनिशियली उन्हीं को ब्लॉक कर देते हैं यहाँ पे, ना वो मैक्रोफेजेस बनेंगे, ना वो प्रोलिफरेट करेंगे, ना वो इंटरल्यूकिन को रिलीज करेंगे, ना ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा को रिलीज करेंगे, ना वो सारा का सारा इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होगा आगे। सही मैम, यानी कि ये जो भी मैं वैसे ही टॉपिक से शायद थोड़ा सा हटके पूछ रही हूँ मैम, ये जो भी हम लोग रीसेंट डेज में टॉक्लिज़ुमैब के इंजेक्शन वगैरह लगा रहे हैं, ये भी इन्हीं क्लास से बिलोंग करता है जो कोरोना के लिए अभी हम यूज कर रहे हैं, मतलब उसमें मेरे ख्याल से वही कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, वो इसी क्लास से, बल्कि आप देखो ये टॉक्लिज़ुमैब उसमें भी यही चीज वो लोग कर रहे हैं ना, उसमें ऑटो इम्यूनिटी आई गेस। बिल्कुल बिल्कुल, ये अभी मैंने हैंड आउट में भी तुम लोगों को टॉक्लिज़ुमैब वगैरह जो है ये भी पढ़ाया ना, तो ये इन्हीं इसी सिलसिले ही में इसीलिए यूज होता है। हम बेसिकली आगे तुम लोग अभी एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल इंशाल्लाह नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ोगे ना, तो आप लोग देखोगे कि वो जितनी ड्रग्स हैं और या ये मीथोट्रेक्सेट जो मैंने बताया कैंसर में भी यूज होती है, इन सब का रीजन ही यही है कि ये बेसिकली वो डीएनए के लेवल पर काम कर रहे होते हैं और सेल्स की, क्योंकि कैंसर में भी तो यही हो रहा है ना, या वायरस में भी यही होता है कि आप उसके डीएनए को ब्लॉक करते हैं या टारगेट करते हैं ताकि आगे जो वीरियंस हैं या वायरस हैं उनकी प्रोपेगेशन ना हो, रेप्लिकेशन ना हो, कैंसर सेल्स की रेप्लिकेशन ना हो, तो यहाँ पर भी वही फिनोमिना है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी वही फिनोमिना है। सही बिस्मा, तुमको समझ आ गई बेटा? बिस्मा ने बेसिकली पूछा था ना ये क्वेश्चन। जी मैम समझ आ गई। जी मैम ओके बेटा, और बाकी क्लास को भी, और इसमें से तो नहीं है कोई क्वेश्चन? नो मैम। ओके अच्छा बेटा, अब तुम लोग एक काम करना, आप लोगों का अब क्विज दोनों चैप्टर का वेडनेसडे को, ये तो सबको पता चल गया ना? जी मैम। ठीक है, अब आप लोगों ने ये करना है कि आप लोग सब गो थ्रू कर लें, क्योंकि हमारा कोर्स बिल्कुल एंड पर आ गया तकरीबन, और आप ये देख लीजिए कि कोई क्वेश्चंस आप लोगों के जो हैं वो या तो एक जगह रख लीजिए, और या फिर आपका कोई ऐसा टॉपिक जो आप समझना चाहते हैं या जिसमें कंफ्यूजन है, या मोस्टली क्लास को जिसमें कंफ्यूजन है, वो एक टॉपिक मुझे जरूर बता दो ताकि मैं उसको आप लोगों को गो थ्रू करवा दूं या रिवाइज करवा दूं। सही है? ठीक है मैम। अच्छा ओके मैम। ओके बेटा, अब मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ पार्किंसंस को, ठीक है, ताकि आपका जो क्विज है हम उसको रिवाइज कर लें। पहले तो मुझे ये बताओ बच्चों कि व्हाट इज पार्किंसन डिजीज, कौन बताएगा? मैम इसमें ब्रेन के सेल्स की डिजेनरेशन होती है और इसमें बेसिकली डोपामिन के लेवल कम हो जाते हैं, उस वजह से होता है ये। हमारे जो सब्सटेंशिया निग्रा और स्ट्राइएटम में एंड बेसिकली बेसल गैंग्लिया के अंदर जो डोपामिन के लेवल कम होते हैं उसकी वजह से होते हैं। शाबाश, और कोई? ये सारे आंसर जो है ना ये मुझे आज मरियम नहीं करने बस क्लास में, बाकी बच्चे कहाँ हैं और बॉयज कहाँ हैं? बेटा और कोई बताएगा कि ये पार्किंसंस क्या है?
मैम हमने जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स भी पढ़े हैं वो भी लीड कर सकते हैं पार्किंसन डिजीज. बिल्कुल वो तो कर सकते हैं, वो तो कर सकते हैं. और डोपामिन रिसेप्ट मेनली मैम डोपामिन रिसेप्टर्स की डेफिशिएंसी हो रही होती है. और एंटी ये बात याद रखना कि एंटीसाइकोटिक ड्रग्स पार्किंसंस को लीड कर सकती हैं और एंटी पार्किंसंस ड्रग्स साइकोसिस को लीड कर सकती हैं. जी मैम क्योंकि दोनों में ऑपोजिट कंडीशन है ना. ऑपोजिट साइन कंडीशन. हां बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है. ठीक है तो देखो पार्किंसंस को आप सबसे पहले यू बोलेंगे कि पार्किंसन डिजीज इज अ न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर. अगर आपने न्यूरो डीजेनरेटिव की टर्म यूज नहीं की ना तो इसका मतलब कि फिर आपने सही तौर पर उसको नहीं बताया. सबसे पहले तुम लोग ये बताओ कि पार्किंसंस डिजीज इज अ न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर. अभी तक हमने जितने भी डिसऑर्डर्स पढ़े कोई भी न्यूरो डीजेनरेटिव नहीं था. पार्किंसन डिजीज हमने वो डिजीज उठाई है जो कि न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर है. और न्यूरो डीजेनरेशन का मतलब ये है कि वहाँ न्यूरॉन डैमेज हो रहे हैं, डीजेनरेट हो रहे हैं. कौन से न्यूरॉन? डोपामिनर्जिक न्यूरॉन. कहाँ पर? सबस्टेंशिया नाइग्रा, बेसल गैंग्लिया. सबस्टेंशिया नाइग्रा में, हाँ बेसल गैंग्लिया में ही. आगे अगर आप और डिटेल में चले जाएं तो बेसल गैंग्लिया के अंदर ही सबस्टेंशिया नाइग्रा है जी. तो पर्टिकुलरली आपका बेसल गैंग्लिया भी गलत नहीं है जवाब, लेकिन अगर आप मोर प्रीसाइज हो तो फिर आप कहेंगे कि वो स्ट्राइटम और सबस्टेंशिया नाइग्रा दोनों. हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक. अच्छा इसके लिए ये देखो, ये मैं आप लोगों को यहाँ दिखाती हूँ पार्किंसन डिजीज की. एक मिनट, पैथोफिजियोलॉजी को अगर आप समझ लेंगे ना, अभी मैं दूसरी क्लास मॉर्निंग को भी यही समझा रही थी कि आपको इसकी, अगर आप किसी भी डिजीज की, सिर्फ पार्किंसन ही, अगर आप पैथोफिजियोलॉजी समझ लेते हो ना तो फिर आप उसका ट्रीटमेंट और तमाम चीजें बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. ठीक है और ये देखो, ये है इसकी पैथोफिजियोलॉजी. ये स्क्रीन नजर आ रही है बेटा आप लोगों को? यस मैम आ रही है. ये देखो ये कैटजन की पिक्चर है और आप ये देखें कि ये है सबस्टेंशिया नाइग्रा और ये है कॉर्पस स्ट्राइटम. ठीक है ये स्ट्राइटम की बात कर रहे हैं हम. अब सबस्टेंशिया नाइग्रा से जो डोपामीन के न्यूरॉन्स हैं वो स्ट्राइटम में जा रहे हैं और स्ट्राइटम में एसिटाइल कोलिन के न्यूरॉन्स भी हैं जो कि गाबा पर अपना पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं. एसिटाइल कोलिन यहाँ एक्साइटेटरी है. Excited. Yes, और dopamine या inhibitory है. Inhibitory. Parkinsonism में क्या हो रहा है कि आप ये देखें, ये neurodegeneration हो गई. जो dopaminergic neuron थे वो damage हो गए. ये जो dash वाली lines है ना, ये indicate कर रही है कि dopamine यहाँ पर, हाँ ईमान कोई problem? Absent. ईमान ने hand raise किया. ईमान कोई मसला है बेटा? ईमान को आवाज आ रही है मेरी? मैम एक बार रिपीट कर दें. अच्छा ये देखो पार्किंसोनिज्म में होता ये है कि ये जो न्यूरॉन्स है ना डोपामीन के, ये बेसिकली डीजेनरेट हो जाते हैं यानी डैमेज होने लगते हैं. तो क्या होता है कि ये क्योंकि एक्साइटेटरी है और ये इनहिबिटरी है और यहाँ पर एक बैलेंस है बिटवीन दीज टू, डोपामीन और एसिटाइलकोलीन दोनों न्यूरोट्रांसमीटर्स के दरमियान में एक बैलेंस है, एक इनहिबिटरी और एक एक्साइटेटरी. अब यहाँ क्या होगा, जब ये इनहिबिटरी जो है डोपामिनर्जिक न्यूरॉन जब ये डैमेज हो जाएंगे तो जो एक्साइटेटरी है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, यानी एसिटाइलकोलीन की यहाँ हाइपर एक्टिविटी हो जाएगी और डोपामीन की यहाँ हाइपो एक्टिविटी हो जाएगी. तो जो इनके दरमियान बैलेंस है ना वो खराब हो जाएगा. ठीक है बेटा आवाज आ रही है, समझ आ रही है आप लोगों को? यस मैम. यस मैम. अब देखो, अब आपने पैथोफिजियोलॉजी समझ ली ना, अब आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं. क्या करेंगे? या तो आप डोपामीन की कंसंट्रेशन को एनहांस करें, वो डोपामीन एसिटाइलकोलीन को, हाँ, और या फिर आप एसिटाइलकोलीन को क्या करोगे? ब्लॉक करेंगे मैम. यस, या फिर आप एसिटाइलकोलीन की कंसंट्रेशन को ब्लॉक करेंगे. वेरी गुड. ओके अब देखो, अब मैं तुम लोगों को बता रही हूँ, उसी वाले हम डॉक्यूमेंट पे चलते हैं अपने. देखो बच्चों स्क्रीन आ गई? यस मैम आ गई.
ठीक है, अब ये देखिए आपने करना क्या है कि अब आपने हमने पार्किंसन पढ़ ली क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि इसको थोड़ा सा रिवाइज करवा दें, तो ये आप पढ़ लें। ये देखें वही बेसल गैंगलिया के फंक्शन थे। अब आपने ट्रीटमेंट क्या करना है ये देखें, अब आपने या तो डोपामीन की कंसेंट्रेशन बढ़ानी है, यस, और या फिर आपने एसिटाइलकोलीन की कंसेंट्रेशन को कम करना। तो आप देखें कि या तो आप डोपामीन का प्रीकर्सर दे दें, और वो क्या है, लिवोडोपा। प्रीकर्सर का क्या मतलब होता है बेटा, जो इसको एक्टिव फॉर्म में चेंज करवाएगा डोपामिन को। हाँ बिल्कुल, ब्रेकिंग पास करवाएगा, यस, जो इसको कन्वर्ट कर देगा। डोपामिन प्रीकर्सर मींस ये उसकी प्रो फॉर्म है और उसको डोपामिन में कन्वर्ट करेगी। ठीक है, तो या तो आप डोपामिन का प्रीकर्सर लिवोडोपा दे दें। ठीक है, डायरेक्टली हम डोपामिन इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि वो पेरिफेरी में जाके ब्लड ब्रेन बैरियर, हाँ, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता। वेरी गुड, ठीक है, पेरिफेरी में ही जाकर रह जाएगा। ठीक है, तो आप लिवोडोपा देते हैं, और लिवोडोपा भी हम क्या देते हैं, कार्बिडोपा के साथ देते हैं, इन कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बिडोपा। क्यों कार्बिडोपा को क्यों देते हैं साथ में मैम? वो एक चीज को ब्लॉक करवा रहा था, डोपाटिक डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर है। यस वेरी गुड, वो डोपा डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर है, और बेसिकली लिवोडोपा को पेरिफेरी में डोपामीन में कन्वर्ट होने नहीं देता। अगर ये पेरिफेरी, देखो इसकी भी यहाँ डायग्राम है, कहाँ है, ये है, ये देखो लिवोडोपा, ये पेरिफेरल है, ये सेंट्रल है। लिवोडोपा कन्वर्ट हो जाएगा डोपामीन में पेरिफेरी में, अगर आप कार्बिडोपा साथ में नहीं देंगे। कार्बिडोपा जब आप साथ में देंगे तो ये कन्वर्ट नहीं होगा, और लिवोडोपा की ये बात है कि दिस कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, बट डोपामीन कैन नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, सो इट विल एंटर इन टू द ब्रेन, और यहाँ ये कन्वर्ट हो जाएगा डोपामीन। सही है बेटा? यस मैम। ठीक है, तो आप कौन कौन सी ड्रग्स दे सकते हैं, आप डोपामीन की कंसेंट्रेशन आपको बढ़ानी है, आप डोपामीन का प्रीकर्सर दे दें, आप डोपामीन का एगोनिस्ट दे दें, आप मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर दे दें, क्योंकि मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर क्या करता है, मोनोमाइन ऑक्सीडेज को मोनोमाइन्स को ब्लॉक करता है, और क्या करता है, फिर डिग्रेडेशन करवा देगा। हाँ, लेकिन जब आप इनहिबिटर दोगे ना तो फिर ये डिग्रेडेशन नहीं करवाएगा। ठीक है, ठीक है। तो आपने अल्टीमेटली करना क्या है, व्हाट यू हैव टू डू एक्चुअली इन पार्किंसंस? मैम हमने मोनोमाइन ऑक्सीडेज की इनहिबिशन करवानी है, हमें डोपामिन का कंसंट्रेशन बढ़ानी है, हमें एसिटाइलकोलीन कम करवाना है ताकि बैलेंस। राइट आंसर है, आपने डोपामिन की कंसंट्रेशन को बढ़ाना है। तो मोनोमाइन ऑक्सीडेज वो एंजाइम है जो डोपामिन को डीग्रेड, उसको ब्रेक डाउन कर रहा होता है। तो फिर अब जब हम ऑक्सीडेज वाले को ही इनहिबिट कर देंगे तो वो सेरोटोनिन डोपामिन इनको रिलीज होने देगा और फिर हमारे डोपामिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। वेरी गुड, वेरी गुड, योर कॉन्सेप्ट इज वेरी मच क्लियर, वेरी गुड, शाबाश। और कॉम्प्ट इनहिबिटर भी यही करते हैं, क्योंकि कॉम्प्ट भी डिस्ट्रॉय कर, कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसपेज भी डिस्ट्रॉय कर सकता, तो आप वो ड्रग्स दें जो उनको ब्लॉक करें, डोपामिन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। एमेंटाडिन बिल्कुल एक अलग ड्रग है, ये एंटीवायरल है लेकिन इफेक्टिव है ये पार्किंसंस में। क्या मैकेनिज्म है इसका, एडीनोसिन के थ्रू इसको ख्याल किया जाता है लेकिन एग्जैक्ट अभी इसका मैकेनिज्म पता नहीं है। और ये आ गया आपके पास मस्करेनिक एंटागोनिस्ट। जी मैम, ये एसिटाइलकोलीन को ब्लॉक करवा देंगे। वेरी गुड, ये वो ड्रग्स हैं जो एसिटाइलकोलीन की कंसंट्रेशन को कम करेंगी, तो डोपामिन ऑलरेडी कम है और एसिटाइलकोलीन की हाइपर एक्टिविटी है, तो वहां पर एक बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस मेंटेन हो जाएगा। यस शाबाश, ठीक है। और बच्चों कुछ इसमें, और ये सब कुछ नहीं मैम, अब हो गया, हो गया। अच्छा, ये सब वही कुछ लिखा हुआ है जो अभी मैंने आपको समझाया, एडवर्स इफेक्ट और ये सारी चीजें आप याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एडवर्स इफेक्ट वगैरह जो है ये ज्यादातर वही होंगे, साइकोसिस को लीड करेंगे इसके एडवर्स इफेक्ट। जी मैम, सही समझ आ गया, शाबाश। और कोई बच्चे, अंजलि, अंजलि है क्लास में, निशा है? जी मैम। अंजलि बेटा तुमको सब समझ आ गया? यस मैम, पढ़ती हूँ यहाँ पे। हाँ तुम पढ़ तो रही हो, वेरी गुड। और निशा है क्लास में? सऊद है? सऊद ने तो मुझे लग रहा है कोई क्लास ली नहीं है हमारी, है ना मैम? होते हैं वो अक्सर। हाँ अक्सर होते हैं लेकिन पार्टिसिपेशन नहीं होता क्लास में ना। हाँ ये। और अदीना,
अदीना है क्लास में? अदीना बेटा तुमको आवाज आ रही है मेरी? अदीना का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। अच्छा ये सब आप लोग वही पढ़ लीजिएगा, और दूसरी बात ये कि आप लोग एक टॉपिक या क्वेश्चन वो जरूर सोच लीजिएगा जो आप लोगों ने डिस्कस करना है। मैम मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से जनरल एनेस्थीसिया में प्रॉब्लम होगी ज्यादा लोगों को, क्योंकि उसमें कुछ मैकेनिज्म ऐसे जो थोड़े से समझ मुझे नहीं आए थे पर्सनली, तो मैं आपको फिर भी चेक करके बता दूंगी। अच्छा ठीक है, और बाकी क्लास बेटा आप लोग बताओ ना मुझे, बाकी की क्लास को कोई मसला है किसी टॉपिक? मैम एक दफा गो थ्रू कर लेंगे फिर बता देंगे आपको, मरियम बता देंगे फिर। यस मैम हम मरियम को बता देंगे। अच्छा चलो ठीक है फिर बता देना। ठीक है मैम, फिर हम लोग एक टॉपिक सब लोग आपस में डिस्कस करके फिर आपको एक टॉपिक बता देंगे, तो जिसको भी जिसमें प्रॉब्लम होगी तो उसमें फिर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी अलग से। हाँ जिसमें ज्यादा डिस्कस कर लेंगे हम वो भी, और जी मैम मेजोरिटी को जिसमें मसला होगा। और इसके अलावा भी अगर किसी को पूरे सिलेबस में से कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो वो भी पूछ सकता है, तो वो इजीली हां पूछ सकते, टॉपिक पर ही कंफाइंड है, तो आप लोग वो क्वेश्चंस भी, मैं पूरी क्लास को कह रही हूँ वो सब लोग भी अपने क्वेश्चन जरूर लिख लें और डिस्कस कर लें। ठीक है जी मैम, ठीक है। और क्विज में आप लोगों का एक या दो क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन या ऐसे टाइप क्वेश्चन होंगे। ठीक है ओके मैम, सही है बेटा। फिर अब और तो कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को? नो मैम। सही है बच्चों, मैं एंड करूं फिर सेशन को? जी मैम भले अब आप कर दें। ओके ओके बेटा, अपना आप लोग बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला फिर हम लोग मिलेंगे। गुड लक फॉर योर क्विज। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। ओके बेटा आप लोग भी अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैम जो अभी वाला क्विज है 29 को, उसमें आप शॉर्ट क्वेश्चंस का बोल रही हैं? यस, उसमें एमसीक्यूज भी होंगे और उसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे, और अब टॉपिक दोनों इंक्लूडेड हैं, यानी साइकोसिस भी और पार्किंसंस भी। ठीक है मैम, कोई इशू नहीं। ठीक है, क्योंकि इस वीक में एक टॉपिक हो जाना था ना, तो अब वो दोनों कंबाइन हो गए। सही है मैम। कितने मार्क्स आए बेटा? उस पे मार्क्स आ जाएंगे, अभी तो जो मैंने बनाया था वो 10 या 12 नंबर का था, लेकिन अब जाहिर है उसमें पार्किंसन भी ऐड होगा ना, फिर उसके मार्क्स तो आपके उस पे लिखे हुए होंगे, वो कोई इशू नहीं है। ठीक है, और जो प्रीवियस आपके जो क्विज हुए उनके मैं रिजल्ट भी आप लोगों के LMS पे डाल दूंगी, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। जी मैम ठीक है, आप रिजल्ट डाल दीजिएगा। ओके ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।